हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो शॉर्ट हेयर पे बहुत ही अच्छा सा कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। अगर किसी का भी हेयर लेंथ इनके जैसे है, क्वालिटी भी ऐसी है, तो आप ये वाला कटिंग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और इनके हेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो कटिंग है पहले से अनइवन हो रखा है। एक साइड छोटा हेयर है और एक साइड का बड़ा है, नीचे से भी बहुत अनइवन है। तो अब ये कंडीशन है कि इनको और एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं कराना और इसी में एक अच्छा लुक चाहिए। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनका भी हाथ अभी सेट नहीं है, जो लोग भी अभी सीख रहे हैं, बिगनर है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और कोशिश करें कि पहले जो प्रैक्टिस है आप लोग डमी वाले हेयर पे करें, और जैसे आपका हाथ में थोड़ी सी फिनिशिंग आती है उसके बाद में आप जो है किसी का भी हेयर कटिंग करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर को अच्छे से मैं गीला करके कोम करके टेंगल फ्री कर ली। उसके बाद में हेयर को हम सामने की तरफ लेके जाएंगे हाफ हाफ डिवाइड करते हुए, और उसके बाद में देखिए बीचों बीच से हेयर को लेना है इस तरीके से, और चिन से थोड़ा सा नीचे की तरफ लाके मैं मेजर करी हूँ। अब देखिए सामने की तरफ अभी हेयर को लेके आई हूँ तो हेयर और भी ज्यादा शॉर्ट लग रहा है, तो बराबर कट करेंगे। उसके बाद में फिर से हेयर को रीचेक करेंगे। आज जो है ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ बीचों बीच से पहले हेयर को कट करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद में इसी लेयर को हम हाफ हाफ ऐसा डिवाइड कर देंगे एज अ गाइडलाइन, ठीक है। उसके बाद में जो पीछे वाले हेयर हैं उसको हम इस तरीके से सामने की तरफ कोम करते हुए लेके आएंगे, और टू फिंगर के बीच में अच्छे से ग्रिप करना है। तो हम लोग यहाँ पे यही बात करते हुए जा रहे थे, मैं कटिंग भी कर रही थी और ये बता रही थी कि कहीं पे ये गई हुई थी जहाँ पे इन्होंने ये हेयर कट लिया हुआ था, और उस टाइम पे मैं पार्लर में नहीं थी, आई थी बट मैं नहीं मिली इनको, जिसकी वजह से इनका हेयर कट मैं नहीं कर पाई। अदरवाइज ये लोग हमेशा मेरे से ही हेयर कट लेती हैं, तो हो जाता है। सब ऐसा नहीं है कि लोगों को करने नहीं आता है, सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अभी सीख रही हूँ या जो भी हो, बट इनका हेयर कट काफी ज्यादा अनइवन है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज हेयर को डिवाइड करना है और इस तरीके से कट कर देना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपके हेयर कटिंग करते टाइम पे गड़बड़ हो गया हो, कुछ भी जो है आपसे गलती हो गई हो, तो आप ये वाला प्रोसेस देख के उसे सुधार भी सकते हैं। गलतियां होती हैं, लोग गलतियों से ही सीखते हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो कभी भी अगर आप सीख रहे हैं और आपसे कभी भी ऐसे मिस्टेक हो जाती है, आपका हेयर कट अनइवन होता है, तो आप ना इस तरीके से उसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनके बालों पे देखिए लेयर कट डाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करते हुए गई हूँ, तो जितना भी अनशेप हो गया था अजीब सा, वो एक अच्छे शेप में आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे मैं लेयर मिक्सिंग भी कर दूंगी, उसके लिए पूरे हेयर को एक साथ में ऐसा ग्रेप करेंगे और बराबर कट कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये यही बता रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरा हेयर कट जो है काफी अजीब सा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं वही चीज आप लोगों को समझा रही हूँ, गाइडलाइन के साथ में काम किया करें तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए ना जब मैं अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ तो मैं बराबर खड़े रहती हूँ और साथ ही साथ गाइडलाइन को बताते रहती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे फिनिश करना। वही चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखाती हूँ, सेम मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं करती हूँ, जो रियल होता वही चीज़ दिखाती हूँ। और इस तरीके से ना टू फिंगर के बीच में ग्रेप करेंगे और बराबर कट करेंगे, मैं कोई तिरछा कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए फिर से गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को लेना है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता, बिल्कुल सुधारा जा सकता है, और आप लोग घबराया मत करें। जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना, मेरे यहाँ पे जब स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस कराती हूँ ना, तो उनके हाथ कांपते रहते हैं, वो लोग भी डरते हैं कि दीदी कैसे करूँ कैसे करूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, जब भी मैं कटिंग कराती हूँ, अगर क्लाइंट को रहता है कि 2 इंच कट कराना है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए उनसे सिर्फ आधा आधा इंच ही शॉर्ट कराती हूँ, बाकी का फाइनल जो कटिंग है वो मैं खुद से करके देती हूँ। जब उनके हाथ में एक अच्छी फिनिशिंग आने लगती है, उसके बाद में उनसे प्रॉपर पूरा हेयर कट लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ अब ये अपना जो है लोगों का हेयर कट कर सकते। मैं ना इनकी रियल वॉइस में भी आपको सुनाती, लेकिन क्या था कि
पार्लर में और भी लोग थे, और अभी राखी का सीजन चल रहा है तो बहुत से बच्चे भी हैं साथ में आए हुए थे, जो बहुत ज्यादा एकदम आवाजें आ रही थी, तो आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते, इस वजह से मैं इसको म्यूट की, अदरवाइज मैं सुनाती। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैम ऐसा बोल रही हैं, मैं इतने हेयर कट अपलोड करते रहती हूँ, बट मैं कभी नहीं बोलती हूँ जब कोई वैसा आता है प्रॉब्लम वाला हेयर कट कि हाँ ये गलती ऐसा लोगों से हो गई है, तभी मैं उस चीज़ को बोलती हूँ, अदरवाइज कोई वो नहीं है। और गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे कैसे हो गया, हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट से तो लेयर कट मैं इनके बालों पे कर दी हूँ, उसके बाद में बैक साइड में हेयर को इस तरीके से लाना है, ये देखिए ठीक है, और मैं इसमें फिनिशिंग देने वाली हूँ। तो बीचों बीच से हेयर को लेना है और उसको हम बराबर कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और हम लोग यही बात कर रहे थे, इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो भी था उस लड़की के बारे में जो बता रही थी कि बहुत ज्यादा खराब हो गया था हेयर कट। तो मैं इनको बोल रही थी कोई बात नहीं, अभी आपका हेयर कट बिल्कुल ठीक हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए तो बीच वाली लेयर को बराबर कट कर देना है, और साइड वाले हेयर को हल्का सा तिरछा कट करूंगी, बहुत डीप में नहीं जाऊंगी। इसके पहले भी मैंने इसी टाइप का, इससे भी ज़्यादा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था समझ लो, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब हेयर कट मैंने ठीक करके दिया हुआ था क्लाइंट का, जिसमें कि एकदम एक तरफ का छोटा था और एक तरफ का बड़ा था, उसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस हेयर कट को पसंद भी किया हुआ है। तो मैं बस आप लोगों को एक बहुत ही छोटी सी बात अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि अगर आपसे भी कभी गलती हो जाती है कटिंग करते करते, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो आप इस तरीके से ना कटिंग करके उसको तुरंत सुधार भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर दे रही हूँ मैं, ये देखिए, और सेटिंग का जो वीडियो है मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियो अलग से भी डाल चुकी हूँ, और कटिंग के साथ साथ भी मैं बहुत दिखा चुकी हूँ कि कैसे क्या करना रहता है, इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है वीडियो। और इसमें तो मैं बस नॉर्मली इनसाइड में हल्का सा सेट कर दूंगी हेयर को, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और बारिश हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, तो हो सकता है कि वीडियो में भी आवाज़ आपको सुनाई दे। तो ये डन हो चुका है, अभी मैं पूरे हेयर को बैक साइड में लाके आपको दिखाती हूँ, देखिए एक अच्छी फिनिशिंग आ गई। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कोई भी आप हेयर कट जैसे करते हैं ना, तो लास्ट में पीछे से हल्का फिनिशिंग जरूर दिया करें, कभी भी आपकी कटिंग खराब नहीं लगेगी। ये देखिए तो अभी इनका हेयर काफी ज्यादा गीला है, और ड्राई होने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक निकल के आया हुआ है, और इनको भी बहुत जल्दी था, इनको भी जाना है, क्योंकि सभी लोग राखी में जाने के लिए, बस सबको है कि बस फटाफट मेरा काम हो और हम निकले यहाँ से। तो ये देखिए डन हो चुका है, और कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो छोटे हेयर पे भी आप ना इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा हेयर कट ले सकते हैं, इनको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था ये, वीडियो से ज्यादा ना रियल में सुंदर दिख रहा था, ये देखिए ठीक है। और बैक से देखिए मैं कोम करके अच्छे से दिखाने वाली हूँ कि कैसा है। तो लेंथ भी इनकी मेंटेन है, और क्लच करने पे ना कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है, और मैंने जो है सेकंड चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो फटाफट से आप लोग जाएं और देखें, कॉम्पैक्ट पाउडर से रिलेटेड वीडियो है, जिनको भी डाउट रहता है कि कौन सा शेड हमें यूज़ करना चाहिए मेकअप के टाइम पे, तो आप जरूर देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, फिर कल मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बाय गाइज।